छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। धाबड़ पंचायत में विकास के नाम पर सरपंच सचिव ने शासन को लगाया लाखों का पलीता। फर्जी बिल बाउचर बनाकर की गई शासन की राशि का गबन, जिसकी शिकायत होने के बाद भी सरपंच सचिव पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। छतरपुर जनपद कार्यालय राजनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धाबड़ में जहां पर विकास के नाम पर मध्य प्रदेश शासन को सरपंच सचिव से लेकर जनपद पंचायत जिला पंचायत भी पलीता लगाने में पीछे नहीं है। तलाइयों के फर्जी बिल बाउचर बनाकर लाखों रुपए का बंदर बांटकर गबन कर लिए गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत ग्राम पंचायत धाबड़ उप सरपंच दिलीप पाठक ने जनपद पंचायत राजनगर से लेकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक भेजी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी जांच नहीं हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश सरकार का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। शायद सरपंच सचिव जनपद पंचायत जिला पंचायत के ऊपर है, तब तो खुलेआम बिना फर्जी बिल बाउचर बनाकर कई लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर, खेत में अस्पताल, पिता की डिग्री से बेटा इलाज करते हुए मिले। बगैर डिग्री के डॉक्टर मरीजों में लगा रहे हैं ड्रिप। मानवता को शर्मसार करती हैं यह तस्वीरें। पेड़ के नीचे ड्रिप लगाकर जारी है इलाज। पिताजी जो काम करते थे वो काम मैं भी कर रहा हूँ। इस कोरोना महामारी में झोला छाप डॉक्टरों की हो रही है बल्ले बल्ले। विदिशा के नटेरन तहसील के ग्राम बरधा में नजारे देखिए। पेड़ की छाया में कई पलंग बिछे हुए हैं और इन्हीं पेड़ों के नीचे झोला छाप डॉक्टर और मरीजों को बाटल लगाए हुए इलाज चल रहा है। यहाँ तक कि कुल टेम्परेचर में जो मेडिसिन रखी जाती है वह 13 के नाम पर कबाड़ नुमा कमरे में रखी गई हैं। विभागीय स्वास्थ्य अमला जब ऐसे झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के नटेरन तहसील की ग्राम बरधा में झोला छाप डॉक्टर कल्याण सिंह मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भले ही आबादी के 74 वर्ष बीत गए हों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आज भी बदहाली की तस्वीर देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आधी स्वास्थ्य सेवाओं से मुक्त है कराया जा सका। यहाँ अब बिना डिग्री और बिना प्रशिक्षण के लोग डॉक्टर बनकर अस्पताल चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि विदिशा जिले में मेडिकल कॉलेज तक आ गया है, लेकिन ग्रामीणों के लोग आज भी इन बिना डिग्री वाले डॉक्टर झोला छाप के चुंगल में फंसे हुए हैं। ना जाने कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जो सिर्फ आंकड़ों में ही छुप कर रह जाते हैं। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। मेरा अब्दुल करीम खान साहब। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री तो करता है, पिताजी शांत हो गए। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की दूसरी रिपोर्ट। शहर के विभिन्न संगठनों ने 350 पीपीई किट मेडिकल कॉलेज में सौंपे। स्वास्थ्य विभाग के लिए सौंपी सामग्री। आज शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और समाज के प्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज में कोविड केयर सेंटर और स्वास्थ्य विभाग के लिए 350 पीपीई किट और ऑक्सीजन प्लस मीटर उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और नर्स जो कोविड मरीजों को देखरेख कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। बताया गया है इस सामग्री में महेश्वरी समाज, साकेत शिशु रंजन पेपर मिल और अतुल गैस एजेंसी सहित अन्य लोगों की सामग्री मिक्स है और CHMO को सौंपी गई है। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।